कृपा करके जोड़े रस्सी ते पिछे उतारो जी, ऊपर ना चढ़ो। आ जाओ एक बार देख लो जी। तो ये जगह थी जहाँ पे लास्ट राइड्स हुए थे सिद्धू मूसे वाला के। वहाँ पे सब कुछ जो मिल रहा है सिद्धू मूसे वाले भाजी के नाम के मिल रहा है। रुमाल तक पे मूसे वाले भाजी की कप हैं, कब मिल जाएंगे। किताब तक भी है, किसने किताब लिखी है सिद्धू मूसे वाले दी हकीकी कहानी, उस दे अपने गीता ते बोला दी जुबानी। जुबान बत्रा सारे नहीं दिंदर ये जी एंट्री, ये एंट्री हो चुकी है। इन गाड़ियां तो ये है 811 वर्गा। ये वाले ट्रैक्टर तो बहुत सारी वीडियोस हैं भाजी की। ये वाला ट्रैक्टर ये फेवरेट था। हां ये वाला फेवरेट था, इस पे बहुत सारी वीडियो तैयार थी और करके रखा हुआ है। कोई भाई गुरु जी की फतेह। ये बिल्कुल साथ में पहुंच गए हम सिद्धू मूसे वाले की हवेली पे, और काफ़ी रश लग रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश लग रहा है। उतना रश वहाँ पे नहीं है इतना रश यहाँ पे है। रीज़न ये हो सकता है कि शायद उनके मम्मी पापा घर पे ही हैं, कल गुरदासमान साहब भी आ रहे थे मूसा, तो मेरे हिसाब से इसलिए रश यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे भी उस तरह से दुकानें लगी हुई हैं जैसे लास्ट राइड्स के बाहर लगी हुई थी, जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था सिद्धू मूसे वाले भाजी का। यहाँ पे भी इसी तरह दुकानें लगी हुई हैं बहुत सारी, उतनी तो नहीं लगी पर फिर भी यहाँ पे तो दुकानें लगी हुई हैं। ये बस हम पहुँचने वाले हैं सिद्धू मूसे वाले भाजी की हवेली के बाहर। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं, और ये हम पहुँच गए सिद्धू मूसे वाले भाजी की हवेली के बाहर। लो जी ये देखो, ये वेटिंग पे इतने सारे लोग खड़े हैं क्योंकि अंदर भी मेरे हिसाब से एंट्री जो है वो है। बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश ज़्यादा है, यहाँ पर रश ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ये हम पार्किंग में जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग है। सामने बिल्कुल हवेली है हमारे, ये हवेली है जी सिद्धू मूसे वाले भाजी की। नौ जी पहुँच गए हैं, अब हम सिद्धू मूसे वाले भाजी की हवेली के बाहर बिल्कुल सामने पहुँच गए हैं। अब देखते हैं अंदर जाने देते हैं नहीं देते हैं। रश तो बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। इतना रश वहाँ पे नहीं था जहाँ पे लास्ट राइड हुए थे, पर यहाँ पे रश ज़्यादा है, और देखते हैं क्या सीन, अंदर जाने देते नहीं देते। ये सामने जाने देंगे नहीं देंगे पता नहीं, पर फोटो तो खिंचा ही लेंगे एक आधी यहाँ पर। वैसे मेरे हिसाब से जाने देंगे, क्योंकि भी बहुत सही लग रही है, घर पर ही होंगे ना मम्मी पापा। इरवान बत्रा, इरवान बत्रा आयो। आगे लोकेशन यहाँ पे वो जो गेम गाना है उसकी शूटिंग सारी मिलती है हवेली को। अंदर ही वो ट्रैक्टर वगैरह भी गाड़ी वगैरह सब अंदर खड़े हैं। अंदर जाने से पहले एंट्री होगी तो एंट्री करवा देते हैं। एंट्री करते तो ही ये सभी एंट्री करवा रहे हैं अंदर जाने के। भाई कर दी एंट्री, ये सभी एंट्री करवा रहे हैं। यहाँ पे एंट्री होगी और ये एंट्री है सिद्धू मूसे वाले भाजी के घर की हवेली की। चले बस हो गया सबकी एंट्री होगी। भाई रोज इन्नी भीड़ होंदी है, संडे नू ज्यादा होंदी है। हाँ जी यूट्यूब ते ये जी एंट्री हो चुकी है, ये सभी इधर से ही जा रहे हैं। ये मतलब एक पार्ट बना रखा उन्होंने, दूसरा पार्ट है रहने का, जहाँ पे घर वाले रहते होंगे उनके, वो रहस है उनकी रहने की। और इधर ले पार्ट में लोग जैसे आते हैं फोटो फोटो खिंचाते हैं। मेन एंट्री तो उधर से होगी, लेकिन वो वहाँ पे हर बंदा नहीं ना जा सकता, हर कोई अगर डेली जाएगा तो घर वाले भी रिस्टोरेंट अलग से। आप चेक करो थार, थार भी है, शरवल पुत्र। उसके
गाड़ी पे लिखा हुआ शरवणपुर, शरवण के बारे में वैसे सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो जो राजकुमार दशरथ थे प्रभु श्री राम के पिताजी, जब वो शिकार कर रहे थे उन्होंने एक बार गलती से मार दिया शरवणपुत को, जो अपनी माता पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करते थे, ये उन्हीं के नाम पे टैटू बनवाया था शरवणपुत सिद्धू मूसले भाई के मम्मी पापा ने। सिद्धू मूसला यहाँ पे ठीक है, लोगों को बैठने उठने का भी पक्खे वगैरह लगे हुए हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ऐसा नहीं है लोग बेचारे आ रहे हैं बाहर से धूप से वापस जा रहे हैं देख के इधर बैठने उठने का। आओ आगे आगे देखते हैं, कार ये वो वाली तो नहीं है, दूसरी है ये। इन गाड़ियां तो ये है नाट 11 वर्गा, देख ही सकते हो आप, बाकी लाइन वाइज लगा रखा था। ये वो थार नहीं है, ये बाकी गाड़ियाँ हैं, नाट 11 जिप्सी ट्रैक्टर, ये वाले ट्रैक्टर तो बहुत सारी वीडियोस हैं भाजी की, ये वाला ट्रैक्टर ये फेवरेट था, ये वाला फेवरेट था, इस पर बहुत सारी वीडियो तैयार थी और करके रखा हुआ है। गाड़ी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे थार नहीं खड़ी, वो नहीं थार खड़ी यहाँ पे, फॉर्चुनर भी नहीं खड़ी, बाकी तो खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, छोटा सिद्धू फार्म, ये वाले पे भी वीडियो देखना है इस भी है। ये वाला है, ये वाला ट्रैक्टर है, ये वाला ट्रैक्टर ही है, ये वाला ट्रैक्टर जो सबसे ज़्यादा उनका फेवरेट था, फेवरेट है कोई और, इस पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनकी। यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, बाकी वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं ताकि कोई आता है बाहर से तो बैठ जाए आराम से, सही है मैनेजमेंट अच्छी यहाँ पे कर रही है। अभी खिंचाएंगे फोटो, फोटो भी खिंचाएंगे, थोड़ी वीडियो वीडियो बना रही है। अरुण भाई जी इन द हाउस, वो है देखा, वो वाली मेन एंट्री है वैसे, वो जो घर को जाती है, जूम कर ये वाली हर बंदा नहीं जा सकता उधर, जो हवेली हो स्पेशल परमिशन भी चाहिए ना उसके लिए, मतलब कोई आपका कोई क्लोज ही होगा तो वही जाएगा, कोई वैलिड रीजन होगा आपका तो शायद आपको परमिशन मिल भी जाए, पर वैसे वो एंट्री है जो हवेली के अंदर जाती है। फिलहाल अब इतना ही है, कुछ आगे होता है तो दिखाते हैं आपको, बस इसके बाद हम जाएंगे शायद उस जगह पे जहाँ पे असैसिनेट हुआ था सिद्धू मूसले पाजी का, पास में गांव है ये, पास में पिंड है वो बोला। चलो थोड़ा धूप से साइड हो जाए, अभी छाँव में चलते हैं थोड़ा। ये मेन हवेली के अंदर एंट्री सब वेट कर रहे हैं, बाहर कितना रश है, अभी उन्होंने कहा तो है 10 मिनट तक खोल देंगे अभी, पर पक्का नहीं पता, ये देखो कितना रश है बाहर, ये सब वेट कर रहे हैं अंदर एंट्री मिल जाए जाने की, एक बार हमारी तरह हम भी वेट कर रहे हैं, अगर एंट्री मिलेगी ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। ये ग्राउंड है संडे का सिद्धू मूसले भाई हवेली पे, वहाँ पे लोग बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सिद्धू मूसले भाई के मम्मी पापा आएंगे तो इनसे मिल पाएँ, ये उनसे मिल पाएँ, और आएंगे कह रहे हैं, बाहर आएंगे देखते हैं क्या बनता है। बहुत ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड है, देखते हैं चलो क्या बनता है। ये बैठे जी सिद्धू मूसले भाई के डॉग्स, एक वो बैठा एक वो बैठा, डाबरमैन हाँ वही लग रहे, डाबरमैन नहीं रोड व्हीलर लग रहे, पता नहीं कौन सा बैठे हुए, दो बैठे हैं, ये है वीडियो वगैरह में भी है, फोटो वगैरह में भी है, हाँ यहाँ ही कहीं फोटो लगा दूंगा देख सकते हो। बाहर ही आ रहे हैं उनके मम्मी पापा, और रश देखो कितना हुआ है एकदम से, सही टाइम पे हम बैठ गए कुर्सी पे, वो लोग देखो कितने पीछे खड़े होंगे, अब ज़्यादा ही रश हो गया, बहुत ज़्यादा रश हो गया, यही जगह पे सभी लोग इकट्ठे हो गए हुए हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा अंदर से आ रहे हैं, ये देखो आप क्राउड देखो कितने, हम भी वेट कर रहे हैं सभी की तरह, आने वाले आने लगे आने लगे। देखो जी सिद्धू मूसले भाई के पापा आ गए, ये सामने बैठे हैं बलकौर सिंह जी सामने, वाहेगुरु जी की फतेह। इस व्यू से सारी हवेली दिखती है,
ये एंट्री जहाँ से हम आए थे, अभी यहाँ से एग्जिट करके बाहर जाएंगे और शायद अब वहाँ पे जाएं जहाँ पे असैसिनेट हुआ था सिद्धू मूसेवाला जी का, जैसे मैंने पहले बताया भी उस जगह पे जाएंगे। तो कंटिन्यू रहना वीडियो में, जुड़े रहना आप। चलो चलो चलिए। और ये एग्जिट पॉइंट, जैसे बताया था पहले ही बाहर से एंट्री होती है। ये हवेली का पूरा व्यू है जी, एक बार वाइड और ब्रॉड व्यू दिखा देता हूँ हवेली का। ये व्यू है, वही जस्ट मैं हवेली के बाहर ही कर रहा हूँ और पता नहीं मिक्सी फीलिंग है, कुछ कह नहीं हो रहा, ज़्यादा बात नहीं होती। आप इस वीडियो का थर्ड पार्ट देखना, तो देखते हैं आगे चलते हैं किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे जगह पर। चलो यार बुला।